हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बनाने जा रहे हैं डार्क फैंटसी मिल्क शेक। सो मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तो बना के देखते हैं कि ये कैसा बनता है। सो इसके लिए मैंने लिए डार्क फैंटसी बिस्किट, एक गिलास ठंडा दूध, चीनी और चॉकलेट हर्षी सिरप। ये बिस्किट मुझे 30 रुपीज़ के पड़े हैं। सो चलो इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले हमारा मिक्सर का जार लेंगे, उसके अंदर हमारा बिस्किट डाल देंगे, लेकिन हमें पूरे बिस्किट नहीं डालने हैं, हमें 2 से 3 बिस्किट रख लेने हैं ताकि हमारा मिल्क शेक जब रेडी हो जाए उसके ऊपर डेकोरेशन और टेस्ट के लिए। सो अब इसके बाद हमें शुगर भी हमें कम ही डालनी है, मैंने बहुत ही कम शुगर डाली है इसके अंदर, आपको भी उतनी ही कम डालनी है जितना एक ग्लास के अंदर आप दूध में डालते हो। सो क्योंकि बिस्किट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, इनकी क्रीम भी बहुत मीठी होती है, सो दोनों को डाल के हमें इनको ग्राइंड कर लेना है। सो हमारा मिक्सर एकदम इनको पीस रहा है, आप देख सकते हैं इनका कलर भी लाइट है और पीसने के बाद इनका कलर एकदम डार्क हो चुका है। सो देखते हैं, सो आप देख सकते हो ये पीस के एकदम तैयार है। अब हम इसके अंदर ढालेंगे ठंडा गिलास दूध। मेरे पास आइसक्रीम नहीं है, सो मैं एक होममेड आइसक्रीम डाल रही हूँ। सो आप भी ऐसा कर सकते हो, अगर आप आइसक्रीम नहीं हो, थोड़ा सा दूध, कॉफ़ी और चॉकलेट सिरप और शुगर मिला के इनको एकदम जमने के लिए आइस की तरह रख देना है और हमारी आइसक्रीम रेडी है। और ये आइसक्रीम डालते हैं तो आपको आइस डालने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप आइस डालते हैं तो आप देख सकते हो कि हमारा जो शेक है बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, तो उससे टेस्ट भी नहीं आता है। सो आप ये होममेड आइसक्रीम यूज़ कर सकते हैं। और मैंने गलती कर दी, ये सब डालने के बाद मैंने अपने मिक्सर जार को बंद किया नहीं और मिक्सर ऑन कर दिया, तो मेरा पूरा मिल्क शेक गिर चुका है, चारों तरफ फैल चुका है। क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, फिर भी हम कंटिन्यू करते हैं। हमें एक ग्लास लेना है और उसके अंदर हम हमारे जो चॉकलेट सिरप है उससे डेकोरेट कर देना है, जैसा कि आपने कैफ़े रेस्टोरेंट में देखा होगा, हमें भी बिल्कुल वैसा करना है। सो अब हम इसके अंदर डालेंगे हमारा बचा हुआ शेक। यार शेक गिर गया आधा, लेकिन जो भी है ठीक है, इसको टेस्ट करके देखते हैं कैसा बना है कैसा नहीं बना है। और ये शेक बनने के बाद हम इसके ऊपर जो हमारे बिस्किट है उनसे इसको डेकोर करने वाले हैं, और इस बिस्किट डालने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे फिर से चॉकलेट सिरप। यार ये शेक बहुत ही अच्छा बना था, ओरियो शेक के आगे कई गुना अच्छा था ये। सो आपको भी एक बार ट्राई करना चाहिए, सही में बहुत ही अच्छा था और होममेड लग नहीं रहा था, ये बिल्कुल रेस्टोरेंट कैफ़े की तरह लग रहा था। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप सबके लिए इतनी मेहनत करी और अब डांट भी पड़ेगी फैलाव के लिए। सो बाय, थैंक यू।